बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ किंग पंजोरिया। बहुत टाइम बाद व्लॉग आ रहा है भाई हमारे चैनल पे, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अब आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ भाई एशिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट यानी कि नेहरू प्लेस में। तो वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कंप्यूटर के प्राइस वगैरह, आपको बताऊंगा जो आपके बजट में होंगे। तो उसी लिए आपने वीडियो पे क्लिक करा होगा, तो वो सारा मैं आपको कोटेशन वगैरह दिखाऊंगा। तो जल्दी से चल लेते हैं नेहरू प्लेस, एंड मेट्रो स्टेशन कौन सा नियरेस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो नेहरू प्लेस आने के लिए सबसे पास जो मेट्रो स्टेशन है वो नेहरू प्लेस का ही है। तो नेहरू प्लेस के मेट्रो स्टेशन से पास ही है कंप्यूटर मार्केट, तो आपको लेकर चलते हैं। और नेहरू प्लेस वाले मेट्रो स्टेशन पे आ सकते हो, वॉयलेट लाइन है मेट्रो की। हम एग्जिट कर रहे हैं गेट नंबर 2 से, तो गेट नंबर 2 से बाहर निकलना और पीछे लाइट देखो, लाइट बड़ी अच्छी है। तो चलते हैं। अपना नेहरू प्लेस में, और ये देखो ये रहा नेहरू प्लेस। एंड आज तो भीड़ कम है क्योंकि आज सैटरडे है और कम ही लग रही है। और यहाँ पे बहुत सारे बंदे आपको ऐसे मिलते रहेंगे कि ये करवा लो वो करवा लो, तो अभी तो हम शॉप पे ही जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करवाना है। भाई अभी एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखो। ओ भाई भाई सही है, बढ़िया। स्टोर, इस वाले स्टोर में आए अभी हम लोग, कंप्यूटर गेमिंग स्टोर में, विशाल भवन 95 पे है, फर्स्ट फ्लोर पे। रेट लेंगे इनसे अभी। DDR4 जो मदरबोर्ड में सपोर्टेड है। हाँ DDR5 4 के साथ ही बता दो, 5 ग्राफिक्स कार्ड बताइए। RTX 3060 कौन सा बढ़िया रहता है, इंटेल या राइजन? गेमिंग के लिए इंटेल, मल्टीटास्क के लिए आपका राइजन। सही सही, ठीक है। भाई हमने ऐसे कोटेशंस ले लिए हैं, यहाँ पे 12400 F55 का और B760 Wi-Fi वाला मदरबोर्ड और 16GB DDR5 RAM, 3060 12GB ग्राफिक कार्ड एंड 1TB NVMe एंड 650 वॉट पावर सप्लाई के साथ में हमको पड़ रहा है 82200 का DDR5 के साथ। और मॉनिटर भी है इसी के अंदर, मॉनिटर भी है 165 वर्ड्स वाला और LG का 27 इंच। तो ये अभी हमने ऐसे कोटेशंस लिए हैं। इसमें 4060 लगवाना है और 2K मॉनिटर लगवाना है, गीगाबाइट का 170 हर्ट्ज वाला, तो यही पड़ जाएगा 1,00,000 रुपए का मेरे को पूरा। तो हाँ ये सारे कोटेशंस हमने ले लिए एंड आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं दुकान से। तो हमने ले ली कोटेशंस, बहुत बढ़िया थी, आपको मैं सारा कुछ लगा दूंगा स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्या क्या लिया है। तो अब चल रहे हैं दूसरी शॉप पे, देखते हैं और कहाँ से लेनी है कोटेशंस। तो इस वाली दुकान पे आया है कंप्यूटर लैपटॉप स्टोर जो भी है, आपको एड्रेस वगैरह ये रहा, तो इसमें अंदर कोटेशंस लेते हैं। सोलह जीबी रैम और SMPS 650 का, P3 1TB की SSD NVMe। गेमिंग के लिए चाहिए बोर्ड भी, गेमिंग वाला B760 से भी कोटेशंस ले ली थी, आपको बोर्ड दिखा दिया मैंने, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ रहा होगा कोटेशंस का, आप देख लेना। YouTube की सबसे मशहूर दुकान पे आए हम लोग, गेमिंग PC वाला पे आ गए। तो भाई ये हमने गेमिंग पीसी वाला जो दुकान है वहाँ से हमने कोटेशंस ली, अंदर मैं व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो इस वजह से अच्छे से व्लॉग हो नहीं पाया। तो ये आपको मैं कोटेशंस दिखा देता हूँ। i5 13400F प्रोसेसर, B760 Wi-Fi मदरबोर्ड, 16GB DDR5 RAM, 1TB क्रूशल P3 SSD एंड RGB कैबिनेट एंड 4060 ग्राफिक कार्ड हमारा 8GB का, 650 वॉट पावर सप्लाई, ये हमको पड़ रहा है 79800 का। और हमने एक मॉनिटर ऐड करवाया था 2K मॉनिटर गीगाबाइट का, 144 हर्ट्ज़ या नहीं 170 हर्ट्ज था, एंड वो उसका प्राइस आपको यहाँ पे 27 इंच वाले का पड़ गया 14,000। तो टोटल हमको 93,800 का पड़ रहा था। तो ये है कुछ प्राइस। यहाँ पे भैया मिल गए हमको, भैया बहुत ज़्यादा स्वीट है, इन्होंने बोला है कि सारा PC बिल्ड हो जाएगा बढ़िया, और गिफ्ट जो बताए थे वीडियो में वो भी मिल जाएंगे। और ये इनकी शॉप है, तो हम जब बिल्ड करवाने आएंगे तो यहीं पे आएंगे और पूरी वीडियो बनाएंगे यहाँ। जी भाई बिल्कुल आओ और वेलकम आपका भाई, और जो भी होगा बेस्ट रेट अपनी तरफ से करके देंगे भाई। थैंक यू। गेमिंग पीसी वाला पे उनकी दुकान पे बहुत सही था, देखो यहाँ से आप आओगे
ये है विशाल भवन, जो है ना यहाँ से ऊपर जाओगे और ऊपर चढ़ते ही लेफ्ट वाली साइड को आगे चले जाना तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाकी तो बढ़िया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी सेटिस्फेक्शन थी। भैया ने भी जैसे ऑनलाइन होती है वीडियो में सेम वैसी बात करी थी, मेरे को लगा था क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स थोड़ा अपना एटीट्यूड वगैरह दिखाते हैं, लेकिन भैया बिल्कुल सही थे। मतलब वैसे जैसे वीडियो में होता है एकदम वैसा ही नेचर था उनका, तो मतलब बदला नहीं। इस शॉप को हम ढूंढ रहे थे क्योंकि 101 जो इनकी शॉप नंबर है वो पहले भी है, 101 नंबर, तो हमें लगा कि यहाँ पे नहीं है, हम फिर आगे चले गए। हमको मिल गई वो शॉप क्योंकि आपको यहाँ से ऊपर चढ़ के लेफ्ट साइड पे जाना। हम पहले दो जगह से कोटेशन ले चुके हैं पर उसके बाद उनके पास जाके अब नहीं मन कर रहा कहीं और से कोटेशन लेने का। अब तो वो वाली दुकान बढ़िया थी, आपको दिखाया मैंने सिनेमैटिक्स भी, दुकान भी काफ़ी अच्छी है उनकी, उनके ओरिजिनल रेट ही इन सबसे कम है और जब हम फाइनल लेंगे तब क्या डिस्काउंट प्राइस पड़ेगा वो देखने वाली चीज़। और उनके साथ गिफ्ट भी देंगे वो जो उन्होंने वीडियो वगैरह में बोल रखा है, तो गिफ्ट्स वगैरह भी देंगे। अब आपको दिखाएंगे जब मैं यहाँ पे फाइनली बिल्ड करवाने आऊँगा, अभी आपको कोटेशन दिखा दूँगा मैं। से कोटेशंस ले रहे हैं भाई, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे देख लेना। अभी हमने यहाँ से भी कोटेशंस लिए हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है KVR गेमिंग सिस्टम के नाम से ही, इनकी शॉप पे भी आए थे, कोटेशंस ले लिए हमने आप यहाँ से भी। हमने आप लोगों के लिए एक 50,000 बजट का भी, 54,000 का भी हमने एक पीसी बिल्ड करवाया है और उसकी भी कोटेशंस यहाँ पे लिख रखी हैं, i5 12400 B760 16GB ये सब है, तो देख लेना यहाँ पे। प्लेस में सारा कोटेशंस वगैरह लेके जा चुके हैं, आपको मैंने सारी दिखा दी, अब आप देख लेना किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। बाकी तो दुकान का भी फ़र्क होता है, किसी की बाहर होती है किसी के अंदर। अंदर वाले दुकान वाले कह रहे थे कि जो बाहर है वो ज़्यादा रेंट पे करते हैं तो उनके महंगे होते हैं, मतलब जो भी पीसी बिल्ड करते हैं उनका प्राइस महंगा होता है, मतलब ऐसा अंदर वाली दुकान वालों ने बोला। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, बाकी तो बढ़िया मार्केट है और बहुत खाने चलते हैं ये छोटे और बाकी तो यहाँ पे भाई स्कैम वगैरह भी बहुत होते हैं तो उनसे भी बच के रहना, सब कुछ चेक कर लेना, वारंटी और मैन्युफैक्चर डेट ज़रूर चेक करना अगर आओगे तो। बाकी तो आपको दिखा दी हमने पीसी बिल्ड और अभी हम अपने लैपटॉप का पता करने जाएंगे, उसमें सर्विस करवानी है तो वो तो व्लॉग में नहीं लूँगा क्योंकि वो व्लॉग का पार्ट नहीं है, तो बस यहीं पर व्लॉग में बता दियो कितने की पड़ी सर्विस और क्या क्या। अच्छा चलो ठीक है, वो बता देते हैं आपको। भाई हमने दो तीन दुकानें पता करी लैपटॉप की सर्विस के लिए, लेकिन फिर हम गए गेमिंग पीसी वाला पे दोबारा से, तो इन्होंने भाई बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में हमारे को सर्विस करके दी, 500 रुपीज़ में हमारे को थर्मल पेस्ट भी लगा के दी और क्लीनिंग भी कर दी, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। तो गाइस व्लॉग खत्म हो गया, अभी मैंने एडिट करा है और अभी भाई रात के 12 बजे रहे, लाइव स्ट्रीम भी मेरी खत्म हो गई इसलिए ग्रीन स्क्रीन लगी है पीछे। तो बढ़िया लगा व्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग पे भी भाई अच्छे से सपोर्ट कर दो जैसे पिछले व्लॉग्स पे करा है दशहरे वाले पे, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।